तेरे मन चले असोदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। हेलो, नहीं हो सकता आंटी। आंटी आप होश में तो हैं? नहीं हो सकता ये। जी आंटी, जी मुझे लगता है यहाँ बिजली गिर गई है। जी जी मैं आ रही हूँ अभी, बिल्कुल अभी जी, एक मिनट में भाग के जी जो भी सवारी मिले मैं आ रही हूँ आंटी। तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसे। आज है दुनिया जिंस है सारी इकट्ठी, कुंजड़े की बात है दुनिया जिंस है सारी इकट्ठी, मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी। तेरे मन चले सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। तेरे मन चले सौदा है, खट्टा और मीठा।
बताइए मैं कनारी जो है ये सारी बाहर रखूं कि आधी ऊपर आधी नीचे? मैं क्या बकवास कर रही हूँ, तुझे अपनी किनारी की पड़ी हुई है। तो तेरी बकवास तो 3 साल से जा रही है, उसमें तो खत्म होना ही नहीं। ये हमदर्दी तुझे मेरे साथ, ये हमदर्दी है तेरी। नायला जी, आपको एक ना एक दिन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं कर रही एक्सेप्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर? बासित अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, वो आपकी खातिर उसे नहीं छोड़ेगा। ये कोई नई बात की है तुमने? नई बात यह है गधी बेगम कि फैसला तुमको करना है और तुम करोगी, और अल्लाह ने तुम्हें ऐसी खोपड़ी दी है कि तुम जरूर गलत फैसला करोगी इंशाल्लाह। क्यों? चल तुम उसकी बीवी को पड़ा रहने दो, तुम बासित से शादी कर लो, उसकी ऑफर है। हाँ है तो सही, लेकिन ऑफर से क्या होता है? अच्छा बेटा, अगर नहीं करना है ना उससे शादी, तो एक बार हिम्मत करके ना पक्के दिल के साथ उसे छोड़ दो। कोशिश कर चुकी हूँ सलमा, कई बार तो कोशिश किया तेरे सामने, लेकिन क्या करूं, दुनिया खोले कहीं ना कहीं मिल ही जाता है घूमता फिरता। अच्छा दफा, ये बता कि ये जो शलवार है ये मैं प्रिंटेड रखूं और कमीज प्लेन रखूं, या कमीज प्रिंटेड रखूं शलवार प्लेन रखूं? तू अपना सर रख। तू जो है ना, तू किसी काबिल नहीं है नायला, ऐसी ढिलमिल, कंफ्यूज्ड, मुतजबजब, डबल माइंडेड फूल। पता नहीं मैंने तेरे साथ क्यों दोस्ती कर ली। मैं उसकी बीवी को कैसे तलाक दिला दूं, 3 बच्चे हैं उसके। तो फिर छोड़ बासित का ख्याल, दफा कर। कैसे छोड़ दो सलमा? तो जैसे सारी दुनिया करती है, जैसे सब करते हैं। सलमा प्लीज मुझे कोई हल बता, साफ साफ, सीधा सीधा। अच्छा, चला चला के तूने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, बोल बोल के मैं रह गई हूँ, अभी मैंने हल ही कोई नहीं बताया तुझे। लेकिन सलमा मैं क्या करूँ? तू भाड़ में जा, खूह में तू गिर, बर्बाद हो जा तू सैड सॉन्ग का सहारा लेके, बस। तो छोड़ दे बासित को, वो मक्कार जो है ना वो अपनी बीवी का है। नहीं, ये मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, नहीं छुपता हुआ मुझसे। तो फिर शादी कर ले उस लमटिंग से, तलाक दिला उसकी मासी को, उसके 3 बच्चे हैं सलमा, तलाक क्यों कर हो सकती है? तुझे कह रही हूँ तू उस कुल्लू के चरखे को छोड़ दे और गफ्फार साहब से शादी कर ले फौरन। मैं मर जाऊंगी सलमा। तू मर, इतने लोगों की जान को वक्त डाल रखा है, मर के भी नहीं दिखाती। मैं मर जाऊं सलमा? वो बाबा जिनको मरना होता है वो पूछ के मरते हैं 107 से, जी मैं मर जाऊं? मर बिच्छू स्यापा मुका, उसकी बीवी भी देख दे शुक्राने की। तो क्या वाकई मैं मर जाऊं? मर जाऊं मैं? मैंने उसे मारा सर, मैंने। वो जब कहती थी मैं मर जाऊं, तो मैं कभी मना ही नहीं करती थी, कभी रोकती ही नहीं थी सर, बल्कि गुस्से में मैं जो बकवास करती थी वो सच मान लेती थी सर, ये उसी का नतीजा। सलमा क्या तुम्हारी नियत थी कि वो मर जाए? मेरी नियत सर? मैं अपने नाला के लिए सब, मेरी तो, मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि ताहे तकरीम घर से चले जाए। अगर तुम्हारी नियत नहीं थी कि वो मर जाए तो तुम मुजरिम भी नहीं हो,
क्योंकि अमाल के नेक व बद का इन्हिसार नीयत पर है, और अगर तुम एहसास जुर्म से मुतमईन रह सकती हो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं। सर, आपकी बातों से मेरी तसल्ली नहीं हो रही। मैंने नाला को मारा है सर। हम चौथी जमात से साथ थे। ऐसा ही सही, ठीक है। हर इंसान को फैसले का इख्तियार है, लेकिन सलमा, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान दुरुस्त फैसले कर सके। ये चेन जो है तुम्हारे गले में, तो मुझे दे सकती हो? चेन सर, जरूर सर, बड़ी खुशी से। बल्कि मुझे बहुत खुशी है सर कि आपने जिंदगी में मुझसे कुछ मांगा। सलमा, ये चेन तुम्हारी है? जी सर, बिल्कुल मेरी अपनी जाती है। इधर आओ मेरी तरफ। ये लो, ये मेरी तरफ से तोहफा समझो, मेरी यादगार समझो। ये चेन एक अरसे से मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी हुई थी। ये मेरा तोहफा है, नजराना है, जो मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन I'm sorry सर, ये चेन तो मेरी है, मेरी जाती, इसमें आपका क्या है? बिल्कुल तुम्हारी नायला ने भी यही कुछ किया अपने अल्लाह के साथ। अपने अल्लाह की चीज, अपने अल्लाह की अमानत उसने इस तरह जाया कर दी, पूछे बगैर, इजाजत तलब किए बगैर। यह क्या किया नायला ने? अच्छा, वो क्या करती? सलमा बीवी, जान तो उसकी दी हुई थी, उसका अतिया थी। नायला ने बेगानी चीज क्यों तबाह की? इंसान के पास अपनी जान से ज्यादा कीमती शय और है भी क्या? उसने अपनी मोहब्बत पे कुर्बान कर दी है। है एक और चीज, उसकी अपनी जाति, खालिस, वो कुर्बान कर सकता है, वो निशावर कर सकता है, उस पर उसका इख्तियार है। लेकिन किसी की अमानत को इस तरह जाया कर देना, नायला को कोई हक नहीं पहुंचता था। सर, इंसान के पास अपना क्या है? इंसान तो बेबस है। है उसके पास अपना जाति, his own personal property, और सलमा वो है उसका अपना इरादा, अपनी विल, अपना तहिया, अपनी मर्जी। अपनी विल को वो सरेंडर कर सकता है अपने महबूब के सामने, अपने इरादे को कुर्बान कर सकता है उसकी चौखट पर, अपने ख्वाहिशों का टोकरा ऊंधा मार कर रख सकता है, अपने खुदा के रूबरू, अपने आइडियल की हुजूर। लेकिन किसी की अमानत को इस तरह कुर्बान नहीं कर सकता। तुम्हारी नायला को कोई हक नहीं पहुंचता था कि अपनी जान इस तरह निशावर कर दे। हां, वो अपनी विल को अलबत्ता सरेंडर कर सकती थी। तुमने देखा होगा कि इंसान सारी उम्र छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे, छोटी छोटी तमन्नाओं, आरजुओं की हुजूरी में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। उसकी कुव्वत इरादा जाया होती रहती है।
इतकास पैदा नहीं होता, वो फोकस नहीं कर सकता किसी बड़े काम के लिए, किसी मसलक के लिए उनका इरादा काफी नहीं होता। आपकी बात नहीं समझी। देखो जब सूरज सारे में चमकने लगता है तो बड़ी रोशनी होती है, दिन चढ़ाता है, धूप निकलती है, तपिश होती है, हिद्दत होती है, लेकिन ये फैली हुई गर्मी जलाती नहीं है, आग नहीं लगाती है। ये रोशनी, ये धूप जब भी किसी एक नुक्ते पे मरकूज हो जाती है, सलमा ये सारा का सारा राज एक नुक्ते पे मरकूज होने का ही नाम है। ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, दुआ हो, ये हमारी हमारी विल की सूरतें हैं। नीम रजा, नीम जान, नीम गरम, इरादे की सूरत। लेकिन जब तक हमारे इरादे की तपिश किसी एक मरकज पर फोकस नहीं होगी, किसी एक मकाम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, वो जला नहीं सकेगी, भड़क नहीं सकेगी, भड़का नहीं सकेगी। सर बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं। सलमा तुम्हारी सहेली को एक बहुत बड़ा चांस मिला था, उसकी सारी विल होशियार हो गई थी, गोश भर आवाज हो गई थी, बस उसे पेश करना बाकी रह गया था, उसकी रूबकारी होने वाली थी कि वो पाश पाश हो गई और मैं बाल बाल बच गया। आप बाल बाल बच गया? हाँ मैं बच गया, बार बार बच गया। मेरे दिल के मुहत्तब शीशे ने मेरी आरजुओं को फोकस करके चारों तरफ रोशनी कर दी, हर तरफ चांदना हो गया। बात सुने शायद भाई, इमेज खराब हो गया है। ओहो, लकीरें आ रही हैं, लकीरें। बात सुने भाई, सुंपल के दरख्त की तरह मोड़े, घुमाए और घुमाए, घुमाए घुमाए। ओहो, रंग नहीं आ रहे, रंग नहीं आ रहे, रंग नहीं आ रहे। हाँ ऊपर आ रहे। बस इधर ही रखिएगा, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, टच नहीं कीजिए, आ जाए नीचे। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में दाई चीरे वाले अवे मेरी चाल वेंदा चीरे वाले वेखदा वे, मेरा नाम दवाचा निगा मारदा वे, मेरा नाम दवाचा। खाक ठीक किया है इरशाद भाई आपने, से वैसे ही लकीरें आ रही हैं, देख लीजिए आप खुद ही। सुनो क्या, इसे भेज दो,
और अगर इसे कोई नहीं खरीदता तो इसे बलालगंज ले जाओ और इसके पुर्जे पुर्जे करके किसी गवाड़िये को दे दो। अंकल, हम दोनों चलें बेचने, मामा को बताया बगैर। प्लीज इरशाद भाई, एक दफा फिर ठीक कर देना, आखिरी दफा। अच्छा, वो अपने शौहर को भेजो ना, मिस्टर गुड गुड को, है? उसे तो बैरोक्रेट बना के मिठाई रखती है और मुझे पूरे घर में बगाड़ फिरती है मोरों की तरह। शिवाना, मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, अभी तो ऑफिस से आए आप। और मैं अच्छा, मेरे लिए क्या इरशाद है जनाब? आप तो फैक्ट्री में घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाते हैं, सो थोड़ी सी वर्जिश भी कर लिया करें। जाएं। अंकल, मम्मा की बात तो मैंने आना, ये हमेशा मुझे भी इस तरह सुनाने के लिए रह जाते हैं। शिवाना, अच्छा नहीं लगता, मैं खुद जाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी जोक कर रहा था। आप बैठे। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठीक मुझे बताना कि वो एमएस ठीक हुआ कि नहीं। ठीक। अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? यही कि तुम शाह भाई की इज्जत ही नहीं करती हो। आफ्टर ऑल उसकी 3 फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़ा आदमी है शहर का, बिजनेस टाइकून। उमर, इरशाद मेरा मामूजात है, हमने बचपन और जवानी इकट्ठे गुजारी है, क्या हो गया अगर थोड़ा सा काम कर दिया तो? शायद तुम्हें ये बाकी जिंदगी भी इकट्ठे गुजारना होती। तेरे मन चले कसौला है, खट्टा और मीठा। तेरे मन चले कसौला है, खट्टा और मीठा। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, कुंजड़े की आज है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। कुंजड़े की सी आज है दुनिया, कुंजड़े की सी आज है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। मीठी चाहे मीठी ले ले, मीठी चाहे। साहब, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि हर प्रिंसेस ऐसी होती है। लेकिन अंकल, प्रिंसेस ने प्रिंस का इंतजार क्यों ना किया? बेटा, वो जो प्रिंसेस थी ना, वो बादशाहजादी, और वो प्रिंस गया अमेरिका एमबीए करने, और प्रिंसेस ने झट मंगनी और पट ब्याह, वो अकल की कच्ची है शादी कर। ये आप बच्चे को क्या फजूल बातें सिखा रहे हैं? अरे भाई, मैं तो इसको बता रहा हूँ, आखिर इसने एक दिन प्रिंसेस के पास जाना है कि नहीं। प्लीज इरशाद भाई, मैं नर्वस हो जाती हूँ। क्यों मामा? बेटा, मैं बताता हूँ आपको,
जब किसी प्रिंसेस ने किसी पार्टी पे जाना होता है ना तो वो नर्वस हो जाती है। क्यों मामा, ठीक कहते हैं अंकल। बेटा आप आंखें बंद करके फौरन सो जाइए, शाबाश। अच्छा बेटा आप आंखें बंद करें, हम आपको गीत सुनाते हैं। सो जा बाबा सो जा बाबा सो जा, नी 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 मक्खन रोटी चीनी नी, बाबा आया खेल के चपाती दो बेल के, अम्मी अब्बू आएंगे लाल तो पलाएंगे, सो जा बेटे लाल पलंग पे सो जा, सो जा बेटे, सो जा बेटे लाल पलंग पे सो जा, सो जा बेटे लाल पलंग पे सो जा। हम जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह इरशाद भाई। आप बेशक सुबह आए, रजा की फिक्र ना करें। थैंक यू इरशाद भाई। इसकी तो शुरू से आदत है, जब कोई काम पड़ता है तो कैसी मस्कीन बन जाती है, चलाक लोमड़ी। अच्छा बाबा ना सही, आपको तो शुरू से ही ग्रेसफुल होने की आदत नहीं है। मामा आप मेरी फिक्र ना करना, जाइए और साथ मेरे साथ अंकल हैं। चलें शुआना। BA MA पास करेगा, जज बन के इलाज करेगा, जुल्म सितम का नाश करेगा, सो जा बेटे लाल पलंग पे सो जा, सो जा बेटे लाल पलंग पे सो जा। समझने की कोशिश करो मेरी बात। अरे मेरी कजन थी ना शबाना, उसकी शादी। ओहो अहमक मेरे साथ नहीं, वो एक इंजीनियर है वो उसके साथ। हाँ हाँ मैंने छोड़ दिया उसे अपनी पढ़ाई की खातिर। क्या ये? अरे तुम तो मेरी मेम के साथ मिल चुके हो लंदन में। हाँ नहीं नहीं वो पाकिस्तान नहीं आ रही है। हाँ तलाकी समझो। हाँ तलाकी। भाई कैसा गधा आदमी, अब तुझे मैं अपनी पास हिस्ट्री फोन पे किसका समझा दूं। अच्छा मैं गाड़ी भेजता हूँ, आ जाओ बैठे हो एयरपोर्ट पे लंदन जाने के लिए। क्या नहीं आ सकते तो नो, नहीं आ सकते तो क्या? अरे मुझे भी किसी का इंतजार है, अगर तुम्हें इंतजार है तो। बाय बाय। हेलो। ना तो तुम्हारा कमबख्त प्लम्बर पहुंचा, ना इलेक्ट्रीशियन, पाइप फटी हुई और सारी गली में पानी इकट्ठा हो रहा है। बैठो, पानी इकट्ठा ही हो रहा है ना। तीन दिन से बहाना बना रहे हो और किसी आदमी को तुमने नहीं भेजा। कम से कम लोडर को ही भेज देते, मैंने सोफे मरम्मत कराने के लिए दुकान पे भेज लेते। तुम्हारा मियाँ क्या कर रहा है? वो उमेर दी ग्रेट नोबल हस्बैंड। ईर्ष्या, वो बहुत बिजी होते हैं ऑफिस में, फुर्सत नहीं होती उन्हें। मुझे फुर्सत है। ये बेवकूफ, जिसकी तीन तीन फैक्ट्रियां हो ना, उसकी एक टांग डिफेंस में होती है और एक टांग वो ग्रीन टाउन के पिछवाड़े।
शुक्र खुदा का करो तुम्हारी तीसरी टांग ली। अच्छा क्या अपना क्या हुआ, कॉफी पियोगी क्या? बात ये कुछ ठीक नहीं चल रहा इरशाद। क्या? यही हम दोनों का स्टेज शो। मैं समझा नहीं। तुम कभी भी नहीं समझे इरशाद। तुमको मेरा इंतजार करना चाहिए था शबाना। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती रहती और तुम वहां पे मेम के साथ शादी कर लेती। देखो वो शादी जो है ना, वो शादी मैंने तुम्हारे ब्याह के बाद उसके साथ की। तो इसके साथ क्या फर्क पड़ जाता है? तुम्हारी मम्मी ने पहले इनकार किया कि नहीं? मैंने MBA करने जाना था, लंदन जाना था, ये सब कसूर तुम्हारी माँ का है। क्या तुम 2 साल में बूढ़ी हो जाती है, इंतजार नहीं कर सकती थी? लेकिन अब हम क्यों बातें कर रहे हैं? अब पता नहीं क्यों कर रहे, वाकई हमें ये बातें नहीं करनी थी। बैठो। इरशाद प्लम्बर पहुंच जाएगा और लोडर भी हाजिर हो जाएंगे। ये बात नहीं है। क्या बात? बात यह है कि जब से तुम लंदन से लौटे हो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये 3 साल वो तुम अब चुन्नी मुन्नी तो हो नहीं, बात करो। वो मेहर है ना, उसके और मेरे दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे लगता है जैसे अंधा शीशा हम दोनों के दरमियान आ गया हो। इरशाद तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। सुबह इलेक्ट्रिशियन पहुंच जाएगा और वो लॉन्ग मैन शॉर्ट पिच, डोंट वरी। तुम नहीं समझ सकते तुमने मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल बना दी है। जा सकता हूँ नर्सरी में? हाँ बेटा जरूर। तुम सोच लो शबाना, अब टाइम्स बदल गए हैं। हर इंसान अपने लिए जिंदा रहना चाहता है। मैं तुम्हें रजा के लिए या अपनी नेकनामी को बचाने के लिए किसी स्लीप पर चढ़ने का मशवरा नहीं दूंगा। थिंक ऑफ योर सेल्फ, योर ओन हैप्पीनेस। अब हम 21वीं सदी में दाखिल होने वाले हैं और यह सदी अपनी अपनी जिंदगी का अहद होगा। इसार, कुर्बानी, मदद, मोहब्बत, ये सब क्लिशे हो जाएंगे, कबाड़ खाने का माल। हाँ सोच लो।
आ रहा हूं आ रहा हूं। अरे आया तो है। अच्छा अच्छा हो जाएगी, अंदर आ। ये अकेली आई हो, वो कहाँ है तुम्हारे उमेर साहब नोबल हस्बैंड? दौरे पर गए। तो फोन कर लेती मुझे? इरशाद, इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इरशाद, तुमसे कितनी मोहब्बत करते हो। तुम उससे तलाक ले लो तो मैं कल ही शादी कर लूं, कल सुबह। मैंने मोहब्बत कब पूछा है, तुम शादी की बात कर रहे हो। फिर ये कि तुम कहां तक मेरी बात मान सकते हो। खातिर जान दे सकता हूं, तुम्हारी लिए रूह पेश कर सकता हूं, अपने आप को मार सकता हूं। ये जान, ये जिंदगी, ये रूह, ये सारी चीजें तुम्हारी तो नहीं है इरशाद। क्या तुम मेरी खातिर अपने इरादे को मेरे इरादे पर कुर्बान कर सकते हो, अपने इख्तियार को छोड़ सकते हो। इंसान के पास सिवाय उसके विल के देने को और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इरशाद। रजा की खातिर अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूं, तुम्हारी ख्वाहिश पर अपने इरादे को कुर्बान कर सकता हूं, अपनी विल को सरेंडर कर सकता हूं। तो फिर आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश न करना, और ना ही एक ही शहर में रहते हुए। हाँ, इसी शहर में रहती हूँ। तुम यही चाहती हो? हाँ, यही चाहती। Thank you.
इसी शहर में रहती हैं सर? हाँ। आप कभी मिले नहीं उनसे? इत्तेफाकन भी नहीं? देखो सलमा, इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी उसे ऐसा मौका जरूर मिलता है जब वो अपने इरादे को, अपनी विल को किसी दूसरे की रजा पर कुर्बान कर देता है, किसी दूसरे की फलाह पर निशावर कर देता है। लेकिन सर ये आसान काम तो नहीं? मैं तब कह रहा हूं कि ये आसान काम है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है सदमा। लेकिन इसके बगैर क्षमा रोशन नहीं होती, आग भड़कती नहीं है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूं सर। देखो सलमा, आम इंसान की आम जिंदगी में उसका इरादा, तहिया, मर्जी, नियत मुंतशिर हालत में रहते हैं, उसकी ख्वाहिशें फीकी फीकी और फैली फैली सी रहती हैं। लेकिन किसी वाक्य के दौरान जब किसी लम्हे कबूलियत के वक्त, जब किसी शदीद दबाव के मुहद्दब शीशे में से इरादे की रोशनी गुजरती है, तो वो रोशनी सारे वजूद को भड़का देती है। फिर इंसान अपनी जात के गिर्द घूमना बंद कर देता है और फिर किसी बड़े ऑर्बिट का मुसाफिर बन जाता है, किसी और मदार में गर्दिश करने लगता है। लेकिन सर, अपनी विल को किसी और के सामने सरेंडर करना इतना आसान तो नहीं सर। इस तरह तो आदमी स्लेव बन जाता है और 20वीं सदी में गुलामी का तसव्वुर बिल्कुल नाकाबिले कबूल है सर। मैं कब कहता हूं कि आसान है? लेकिन सलमा, कतरे को समंदर बनने के लिए, नदी को दरिया बनने के लिए ये सबक सीखना ही पड़ता है। शिफ्तगी और फिरफ्तगी से इश्क में दाखिल होने के लिए इस आग में से गुजरना ही पड़ता है। इतना ये सारा कुछ इस मॉडर्न अहद में फ्यूटाइल सी बात लगती है सर, अहमकाना सी पागलपन की बात। सर कौन किसी के लिए अपने अख्तियार को छोड़ता है? तुम ठीक कहते हो, आम इंसान के लिए आम हालात में, आम मौसमों में, आम तजुर्बा से गुजरते हुए यह अहमकाना सी बात है। लेकिन कुछ लोग, बिल्कुल गिनती के चंद लोग इस शहर में मौजूद होंगे जो अपने महवर के गिर्द घूमना छोड़ना चाहते हैं, अपनी जात की कोठरी से निकलकर एक बड़े करिश्मे में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अपनी विल को सरेंडर करना बहुत अहम है। कैसे सर? एक वक्त ऐसा आता है सलमा, हर इंसान की जिंदगी में, जब उसे अल्लाह की रजा पर अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना इख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले ये सबक सीखे हुए होते हैं उनके लिए मशीयत का हिस्सा बनना आसान हो जाता है। जिन्हें सर झुकाने की मश्क ना आती हो उनके लिए जिंदगी अजाब बन जाती है। आपके काम आया सर अपने विल को सरेंडर करने का सबक? हाँ, एक मुद्दत के बाद जब मैं उसे भी भूल गया तो चंद माह हुए मैंने अपने इरादे का दिया रोशन कर उसकी चौखट पर रख दिया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि उसने
वो दिया बुझा दिया या रोशन रहने दिया मुझे याद नहीं है सलमा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो आमिर? कहीं भी। लेकिन तुम मुझे बताए बगैर कहीं नहीं ले जा सकते, मेरी मर्जी के बगैर। खुदा के लिए खौफजदा ना हो सलमा, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलाने ले जा रहा हूँ। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? इसलिए कि वो मेरी अम्मी है और मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करे। कार रोको आमिर, कार रोको, इसी वक्त इसी लम्हे प्लीज। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कोई चीज नहीं हूँ, कोई शय नहीं हूँ जिसे पसंद या नापसंद करने का तुम्हारी अम्मा जी को इख्तियार हो। कौन होती है भाई अपनी पसंद की पोटली वाली? लेकिन सलमा मेरी खातिर प्लीज। पता नहीं क्यों लेकिन अभी अभी मुझ पे इंकशाफ हुआ है आमिर कि तुम वो आदमी नहीं हो जिसके लिए मैं अपनी मर्जी, अपना इरादा और अपनी सेल्फ को सरेंडर कर सकूं। मैं अगर चाहूंगी तो तुम्हारी अम्मी से मिलूंगी, नहीं चाहूंगी तो नहीं। लेकिन मेरी खातिर सलमा। शायद मैं अभी अपने महवर के गिर्द घूमना चाहती हूँ। मेरा जादू मेरे लिए अहम है आमिर, मैं लंबे सफर के लिए तैयार नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सलमा? मैं कह रही हूँ खुदा हाफिज़। तेरे मन चले का सौ